जटाधरं पांडुरंगं शूलहस्तं कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे. जगदुत्पत्ति कर्ते च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते. दत्तात्रेय नमोस्तुते. जरा जन्म विनाशाय देह शुद्धि कराय च दिगंबर दयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तुते. दत्तात्रेय नमोस्तुते. कर्पूर कांति देहाय ब्रह्ममूर्ति धराय च वेदशास्त्र परिज्ञाय दत्तात्रेय स्थूल नाम गोत्र विवर्जित पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोस्तुते. दत्तात्रेय नमोस्तुते. ओम शांति. 16वीं शताब्दी उत्तर भारत के महान संत और कवि तुलसीदास के जीवन में वर्णन है कि उसका अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत अधिक लगाव था. इतना लगाव था, इतना लगाव था कि वो एक पल भी उसको देखे बिना नहीं रह सकता था. उसकी दुकान थी, परंतु बार बार अंदर जा जाकर पत्नी से मिल के आता था. इतना अधिक घनिष्ठता, लगाव पत्नी से थी, पत्नी से था. एक दिन वो कहीं बाहर गया तो पत्नी का भाई आया और पत्नी को मायके ले चला गया. और वो जब आया घर तुलसीदास, तो बेचैन हो उठा. इतनी बेचैनी बढ़ गई, रात तक, तूफानी रात थी, उसने सोचा कि नहीं, मुझे उससे मिलने जाना ही है. और वो निकल पड़ता है अपनी पत्नी से मिलने. आंधी तूफान, नदी के पास आता है. वो नदी उफान पर है, कैसे जाए उसे पता नहीं. एक लकड़ी का लोंदा वहां पे तैर रहा होता है, वास्तव में वो मुर्दा होता है, परंतु वो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसको नाव समझते हुए, लकड़ी समझते हुए दूसरी ओर पहुंचता है. और वहां पहुंचने के बाद भी मध्य रात्रि, और उसकी पत्नी ऊपर रहती है, ऊपर के माले पर, तो एक रस्सी टंगी होती है, उसको पकड़ता है और पकड़ पकड़ के ऊपर आ जाता है. उसकी पत्नी को उठाता है, तुम सो रही हो? तो आश्चर्यचकित हो जाती है कि आप यहां कैसे पहुंचे इतनी तूफानी रात में, और वो ऊपर कैसे आए, दरवाजे से क्यों नहीं आए? वो कहता है, इतनी रात किसको उठाऊं, घर वाले भी तो होंगे, तो मैं तो खिड़की से आया. खिड़की से कैसे आए, वहां तो कोई रस्सी है नहीं, देखती है तो वो एक अजगर या सांप. तो वो पत्नी उससे कहती है, इतना पागलपन, यदि इतना. वो कहता है, मैं क्या करूं, मेरा प्यार ही तुमसे इतना है कि मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता. तो उसकी पत्नी कहती है कि जितना प्यार तुम्हें इस देह से है, इस हड्डी मांस के शरीर से है, यदि इतना ही प्यार तुमने राम से किया होता ना, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता, कब के तुम मुक्त हो गए होते. और बस पत्नी के यही वाक्य, और वो अपनी पत्नी में देखता है उसका शरीर, हड्डी और मांस का दिखाई देने लगता है उसको.
और वो तुरंत वहां से चला जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता है, जंगलों में भटकता है, राम 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 दिन रात पुकारता है। दिखाया है, हनुमान जी वगैरह दर्शन देते हैं, वो अलग बात है, और फिर एक नया आध्यात्मिक जीवन उसका चालू हो जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। उसकी पत्नी ही उसके लिए क्या बन जाती है? गुरु बन जाती है। बाद में उसकी पत्नी उसको मनाने भी आती है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अब घर तो चलो। वो कहता है अब नहीं आ सकता मैं, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। तो दिखाया है उसने उसके पत्नी को ही गुरु समझ लिया, गुरु बन गई हो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां अकस्मात व्यक्तियों को कुछ दिखाई दिया और वो उनसे उन्होंने कुछ सीख लिया। जैसे सूफी संत जा रहा है, छोटा बच्चा मस्जिद में दिया लेकर भाग रहा है, वो उसको लगता है कि इसको कुछ थोड़ी शरारत की जाए, उस बच्चे को पुकारते इधर आओ, कहाँ जाते हो? वो कहता है मस्जिद में दिया ले जा रहे हो। वो कहता है दिया कहाँ से लाया? घर से लाया। तो वो पूछता है ये दिए में जो ज्योति है, अब ये बताओ तुमने कहाँ से लाई? दिए में जो ज्योति है वो कहाँ से आई? वो सूफी संत सोचता है ये क्या उत्तर दे पाएगा, जरा देखता हूं। तो वो छोटा बच्चा भी बड़ा होशियार होता है, फूंकता है और दिया बुझा देता है, कहता है ये जहां वहीं से लाई थी, जहां ये चली गई, अब आप बताओ ये गई कहां। तो सूफी संत लिखता है वो बच्चा भी मेरा गुरु है। एक दूसरा सूफी संत रात भर घूमता है, कहीं घर नहीं मिलता है, एक चोर के घर में ही ठहर जाता है, आश्रय ले लेता है। चोर भी जरा दयालु होता है, रह जाओ फकीर हो। और हर रात सो चोर निकलता है चोरी करने, आदत। सुबह लौट के आता है फकीर, पूछता है क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला, पर आज रात को जरूर मिलेगा, अगली रात को। वो सूफी फकीर लिखता है कि एक मास तक वो चोर रोज जाता है और खाली हाथ कर सुबह सुबह लौट के आता है, पर आशा नहीं छोड़ता। आशा अब भी बंधी हुई है कि आज नहीं हुआ काम, पर आज तो जरूर होगा, आज रात, आने वाली रात। तो वो कहता है मैंने उसको अपना क्या बना दिया? गुरु बना दिया। आज की साकार मुरली। वो पादरी एकांत में घूमते, शायद क्राइस्ट की याद में होंगे, भगवान बाप को तो वो जानते नहीं, परंतु तुम्हें उनसे भी सीखना है। भक्ति मार्ग में उदाहरण है दत्तात्रेय का। तुम भी दत्तात्रेय हो, कैसे? पर नंबर वार, आज दो जगह बाबा ने कहा है नंबर वार, तुमसे तुमने जितने पाप किए तुम ब्राह्मणों ने, उतने किसी ने भी नहीं किए। एक तो यहां कहा नंबर वार, और दूसरी जगह कहा तुम सब कौन हो? दत्तात्रेय हो। कैसे दत्तात्रेय हो? नंबर वार। दत्तात्रेय अर्थात गुणग्राही, दत्तात्रेय अर्थात सबसे गुण उठाने वाले। तो आज हम चर्चा करेंगे दत्तात्रेय के कितने गुरु थे, कितनों को उसने गुरु बना दिया। बेचारा बचपन से निकल गया सन्यासी, कोई गुरु नहीं, कोई रहने को स्थान नहीं, प्रकृति की गोद में पला बड़ा, तो प्रकृति में जो जो कुछ उसको दिखा उसी को गुरु बना दिया उसने। तो 24 गुरु उसने बनाए। तो दत्तात्रेय की ये जो पाठशाला है उसमें बहुत सारे गुरु है, तो हर एक से सीखना है। हर एक से क्या करना है? सीखना है, गुण उठाने हैं। कुछ ना कुछ हर एक के पास है हमें सिखाने के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा बच्चा क्यों ना हो। कल कहा ना, छोटे बच्चे को भी क्या समझो? छोटा भाई समझो, वो भी आत्मा है, उससे भी सीखो। तो दत्तात्रेय, इसका उल्लेख बहुत सारे शास्त्रों में है। उसको तीन मुख दिखाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, छह हाथ दिखाते, एक
चार कुत्ते दिखाते अर्थात चार वेद और एक गाय दिखाते अर्थात धरती माँ, अलग अलग चित्र है उसके। महाराष्ट्र में बहुत सारे मंदिर है, गुजरात में बहुत सारे मंदिर है, साउथ में बहुत सारे मंदिर है। अवधूत गीता है, एक अवधूत गीता, एक गीता है लक्ष्मण गीता, एक है भगवद गीता, एक है अवधूत गीता। ऐसी अलग अलग गीताओं में अवधूत गीता अद्वैत वेदांत का शास्त्र है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम सब कौन हो? दत्तात्रेय हो, अर्थात सभी से गुण उठाने वाले। तो इस दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। तो अभी हम ये सारे 24 गुरु देखेंगे और इनसे उस दत्तात्रेय ने क्या क्या सीखा, क्या क्या गुण उठाए, अर्थात हर चीज से सीखना है। जो भी आसपास दिखाई दे रहा है, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग है, इसमें से कुछ पशु है, कुछ पक्षी है, कुछ व्यक्ति है, कुछ मनुष्य है, कुछ तो निर्जीव स्थान है, कुछ तत्व है, ऐसे मिलाकर ये 24 बातें हैं, जो जिसको उन्होंने जिनको उसने अपना गुरु बना लिया। गुरु बनाना अर्थात उनसे सीखना, हर एक से कुछ ना कुछ सीखते रहना है, क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ तो है हमें देने के लिए, क्योंकि हर एक भिन्न संस्कृति से उत्पन्न हुआ है, भिन्न प्रांत, भिन्न जाति, भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न परवरिश, भिन्न माँ बाप, भाषा, सब कुछ अलग है उसका, और वो उस बैकग्राउंड से आया हुआ है, उस पार्श्वभूमि से आया है, तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दत्तात्रेय का सबसे पहला गुरु है पांच तत्व। पांच तत्व में सबसे पहला ले लो, कौन सा लेंगे? पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी से क्या सीखेंगे? पृथ्वी से सहनशीलता। पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, सब कुछ सहन करती है। हमने कभी सोचा कि इस पृथ्वी से भी हमें कुछ सीखना है? जो जो चीजें दिखाई देती है आंखों से, उन सब से सीखते जाना है। जो जो आवाजें सृष्टि में आती रहती है उन सब से सीखते जाना है। जो जो दिखाई देता है उनसे सीखते जाना है सबसे। तो पृथ्वी क्या सिखाती है? मनुष्य क्या क्या करते हैं पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी क्या क्या देती है हमको? ये धरती माँ, ये अवनी माता बहुत कुछ देती है। खेत कहाँ उगते हैं, फसल, हमारी परवरिश जो हो रही है किससे हो रही है? पृथ्वी से हो रही है। इसके लिए पृथ्वी की से सीखना भी है और उसको सकाश भी देना है। उसको माँ कहते हैं क्योंकि माँ की तरह पालना करती है वो, सब कुछ सहन करते हुए भी। तो उस पृथ्वी से जो गुण सीखना है वो है सहनशीलता का गुण। दूसरा है हवा, वायु, विंड। हवा से क्या सीखेंगे? हवा निर्लिप्त है, हवा निर्लिप्त है, कहीं भी लिप्त नहीं होती है, कहीं रुकती नहीं है, यहां से गई, वहां से गई, वहां से गई, वहां से गई, सब जगह जाती है, परंतु किसी में अटकती नहीं है, किसी में फंसती नहीं है। ऐसा जीवन हो योगी का जीवन, अर्थात निर्लिप्त जीवन। भले 100 जगह जाओ, 100 लोगों के बीच में रहो, पर किसी से कोई लेना देना नहीं। किसी से स्थान पर रहो, उस स्थान से भी कोई आसक्ति नहीं, किसी स्थान से आसक्ति नहीं, किसी से आसक्ति नहीं। आज की मुरली में कहा, ऐसा समय आएगा अनाज भी नहीं मिलेगा। निर्लिप्त, तो वायु क्या सिखाती है हमें? निर्लिप्त। दत्तात्रेय ने अपना दूसरा गुरु किसको बनाया? वायु को बनाया। तीसरा गुरु आकाश, स्काई, बेहद है, बेहद, बेहद दृष्टि, बेहद वृत्ति। लास्ट संडे की मुरली, जो ये समझते हैं मेरा परिवार और मेरा सेवा केंद्र, वो कहां पर बनेंगे, कहां आएंगे? त्रेता में आएंगे। पहले पुर की टेस्ट खत्म होगी, दूसरा पुर लेना पड़ेगा। खा पी के देवताओं ने जो बचा रखा है वो त्रेता में लेना पड़ेगा। तो वो है क्षत्रिय की निशानी, और जो बेहद में रहते हैं वो है देवता। तो ये क्या सिखाता हमें? आकाश,
नीलांबर क्या सिखाता है? बेहद में रहना। और उसमें कितने बादल आते हैं और चले जाते हैं, वो अप्रभावित रहता है। आज की मुरली में भी बोला, ये सब होगा, माया आएगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगी, रुस्तम बनकर आएगी, पर तुमको अडोल रहना है। ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, ये ऐसा क्यों करते हैं, वो वैसा क्यों करते हैं, ये ब्राह्मणी ऐसी क्यों करती है, तुम्हारा क्या जाता है, तुम क्यों नाराज होते हो, तुम क्यों रूठते हो, सुनको तुमको मजा नहीं आ रहा है उसकी बातें सुनने में, बैठो सुन के चले जाओ, बात मत करो। ब्राह्मणी के लिए कहा तो तो आकाश, आकाश से क्या सीखेंगे? बेहद। और आकाश को देखते रहना। उस दिन कहा ना, फूलों को देखो, तो कहीं एकांत में जाकर आकाश को निहारना, कैसा विराट है, कितना विस्तृत, कितना अपने अंदर समाया हुआ है, उसका कोई अंत नहीं। बाबा कहते पोलार ही पोलार, पोलार ही पोलार। तो आकाश से सीखना है बेहद। उसके बाद है पानी, वाटर। पानी से क्या सीखेंगे? शीतलता। पानी से क्या सीखेंगे? बहना। पानी से क्या सीखेंगे? पानी जो बहते रहेगा उसका महत्व है। नदियों की पूजा होती है माँ, उसको पतित पावनी कहते हैं लोग। और जो पानी जम जाता है, डबरा जो छोटा सा ये बन जाता है, उसकी पूजा नहीं होती है, वहां लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। प्यास भी कहां बुझाते, वो गंदा पानी हो जाता है, नाला बन जाता है। तो पानी अर्थात पानी से क्या सीखना है? बहते, वो तो नदी से सीखना है बहते रहना, हम पानी की बात कर रहे हैं। पानी अर्थात स्वच्छ, पानी अर्थात ट्रांसपेरेंट, पानी अर्थात सबको पावन बनाने वाला है। पानी क्या करता है? धोता है ना। पानी का काम क्या है? जो वस्त्र खराब हो गए, बर्तन खराब हो गए, धोता कौन है? पानी। जल जीवन है, जीवन जल है, तो सेव वाटर। तो पानी से ये गुण सीखना है। जब भी पानी को देखो तो सोचना, हमें भी पानी जैसा स्वच्छ बनना है, पानी जैसा पारदर्शी बनना है, पानी जैसा सबकी प्यास बुझानी, और पानी जैसे सबकी धुलाई। विंड में विंड, पर वो विंड के लिए है कि वाटर के लिए है? वाटर के लिए कविता है, इंग्लिश पोएम। तो पानी, उसके बाद है आग। अग्नि से क्या सीखेंगे? अग्नि सबको बस, अग्नि परिवर्तन कर देती है, अग्नि सबको पावन करती है, प्यूरिफाई करती है। हाँ, तो पावन बनाने का गुण अग्नि से है। पावक, पावक अग्नि के लिए संस्कृत शब्द है पावक। पावक अर्थात पावन बनाने वाली। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीर, समीर अर्थात वायु। तो ये पांच तत्व, तो पांच तत्वों से उन्होंने, उसने ये पांच चीजें सीखी। उसके बाद में है समुद्र। समुद्र से क्या सीखना है? याद रखना, ये होने के बाद फिर से पूछेंगे सबको, अभी के अभी। तो पहले पांच, उसके बाद में तीन। तीन में पहला है समुद्र। समुद्र से क्या सीखेंगे? ऊपर से हलचल है पर अंदर से एकदम शांत है। ऊपर से लहरें है पर नीचे से प्रशांत है। ऊपर से चाहे कुछ भी हो रहा है पर अंदर से कैसे रहना है? एकदम शांत। ऊपर से एक्टिविटी चल रही है, सेवाएं चल रही है, कर्मयोग चल रहा है, बातें चल रही है। आज कहा ना, जितना हो सके अंतर्मुखी रहो, फुर्सत निकालो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अंतर्मुखी हो जाओ, जितना हो सके। बाह्यमुखी रहते हो ठीक है, आना पड़ता है, पर जितना हो सके रहो। तो बाहर से हलचल चालू है, बाहर से एक्टिविटी है, बाहर से सेवाओं का विस्तार है, परंतु अंदर से जैसे ही योग में बैठो एकदम शांत, अंदर कोई हलचल नहीं है, अतल सागर की गहराई में शांति है। तो सागर से, समुद्र से ये गुण सीखना है। उसके बाद में चंद्रमा और सूरज। चंद्रमा और सूरज, चंद्रमा से क्या सीखेंगे? चंद्रमा की कलाएं घटती है, कम होती है, परंतु वो वैसा ही रहता है, अडोलता है। और दूसरा शीतलता,
वैसे तो चिंतन बहुत कुछ किया जा सकता है, और जो कुछ लिखा है वो थोड़ी थोड़ी बातें लिखी है, पर हम उसका विस्तार और अवश्य कर सकते हैं। चंद्रमा से क्या सीखेंगे? शीतलता। चंद्रमा से क्या सीखेंगे? कलाएं घटती है कम होती है, परंतु वो वैसा ही रहता है। चंद्रमा से और क्या सीखेंगे? देना। और चंद्रमा से क्या देखेंगे? सुंदरता। और चंद्रमा से क्या सीखेंगे? श्वेत प्रकाश। तो उसमें तो एक ही लिखा हुआ है कि वो घटता है बढ़ता है परंतु समान रहता है। बाहर से कुछ कुछ हो रहा है पर अंदर से वो एक जैसा ही रहता है, एक रस्ता, चंद्रमा अर्थात एक रस्ता। उसके बाद में सूरज से क्या सीखेंगे? पक्षपात नहीं करता है सूरज, ये थोड़े दूसरे लोग हैं इनको मैं अपनी किरणें नहीं दूंगा। हाँ, उसके अंदर दातापन का देता है सूरज, सबको देता है। या ऐसा है कि गरीब को नहीं देगा और उसको देगा? ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सबको देता है, खुली दिल से देता है। तो सबको देना, पक्षपात न रखना सूरज से सीखना है। तो ये हो गए तीन। उसके बाद है मछली, हिरन और हाथी। मछली से क्या सीखेंगे? नहीं, यहां एक अवगुण के बारे में कहा हुआ है, मछली फंस जाती है, वो जो होता है ना बेट, वो उसमें फंस जाती है, वो लोभ, लोभ आ जाता है उसको, उसको लगता है खाऊं उसको, और आती है पकड़ की है और फंस जाती है। तो संसार में प्रलोभन बहुत है, पर तुमको मछली जैसा फंसना नहीं है, अपने आप को अलग रखना है मछली जैसे। नए नए प्रलोभन आएंगे तुमको फंसाने के लिए। रावण का सबसे नंबर वन भूत कौन सा है आज की मुरली में? काम। और क्रोध भी कुछ नहीं है, भो भो करते रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? भो भो करते रहते हैं। काम आदि मध्य अंत दुख देता है। तो ये बहुत सारे आएंगे टेम्पटेशंस, माया नए नए रूप में आएगी, ऐसे ऐसे रूप जो कभी सोचे ही नहीं थे, ये भी माया है। वो तो फंसने के बाद ही पता चलता है कि माया के अंदर है। इसलिए योगी और ज्ञानी अर्थात दूसरों से सीख ले। हम ये कहते हैं कि यज्ञ में ये क्या हो रहा है, इतनी हलचल, ये वो, ये इसलिए हो रही है ताकि तुम सीखो। जो गलतियां दूसरे कर रहे तुम ना करो, इसके लिए हो रही है हलचल। और अभी किसी को बताने समझाने का टाइम तो चला गया है, अब क्या किसको समझाए? जो करना है खुद करो। सेल्फ सेफ्टी आज की मुरली में है, सेल्फ सेफ्टी, बस वही। तो मछली से सीखना है कि फंसना नहीं है कहीं पर, प्रलोभन में नहीं आ जाना है। समझ लेना, ये दिख रहा है अर्थात ऊपर कोई मछुआरा है जिसके हाथ में वो जाल है, पर वो लकड़ी है, और ये जो दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको खाऊं फंसूंगा और जाल में, मछली। उसके बाद में हाथी, काम विकार। हाथी जो होता है ना, इसमें दिखाया है कामुक होता है, वो मादा हाथी, हथनी उसके पीछे जाता है और उसको पता ही नहीं रहता है शिकारी ने एक गड्ढा बना के रखा है, उधर से आवाजें आती है उसको, वो जाता है और फंस जाता है। हाँ, तो वो हाथी के लिए दिखाया था। तो दत्तात्रेय कहता है मैंने हाथी से यह सीखा, काम विकार सर्वत्र है, मुझे फंसना नहीं है उसमें, क्योंकि गड्ढा बना के रखा हुआ है शिकारी ने, मैं फंस जाऊंगा, फिर निकलना बहुत मुश्किल है वहां से। फंसना ही नहीं, यही एकमात्र उपाय है। फंसने के बाद फिर निकलना पूरा जीवन लग जाता है, निकल भी गए तो उसकी यादें फंसे थे उसकी। उसके बाद में हिरन, हिरन क्या करता है? हिरन भय, भयभीत रहता है, शिकारी आया भागता इधर भागता है उधर। वो कहता है मैंने हिरन से सीखा कि निर्भयता का गुण मुझे धारण करना है, हिरन जैसा नहीं भागते रहना इधर उधर, अपने आप को निर्भय बनाना, ये मैंने हिरन से सीखा। फिर उसके बाद में पांच, मधुमक्खी। मधुमक्खी इंडिकेट क्या करती है? कर्मठ जीवन,
दिन रात प्रयत्न करती रहती है, ये फूल पे जाएगी, वो फूल पे जाएगी, इधर काम उधर काम, एक्टिव और हार्मनी अपने झुंड में, अपने संग में बड़ी समसरता से रहती है, बहुत ही हार्मोनी के साथ रहती है अपने झुंड के साथ, झगड़ा नहीं करती है कभी अपने साथियों के साथ, और साथ में जाती है। तो उससे क्या सीखना है, एक्टिव लाइफ। मधुमक्खी से क्या, अलर्टनेस, निरंतर जिससे सीख सके उससे सीख लेना। आज की मुरली में और एक उदाहरण दिया बाबा ने जो तुमको सीखना है, ब्रह्मा भोजन का महत्व। वो सन्यासी भोजन थाली धोकर पीते हैं, महत्व है यहां का, इस ब्रह्मा भोजन का भी बहुत महत्व है। एक समय आएगा कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको, अनाज भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी समय आएगा, इसलिए अब से ही सहन करने का अभ्यास करो। अच्छा अच्छा से पहले की लाइन साकार मुरली आज की। तो मधुमक्खी से भी क्या करना है, सीखना है कर्मठता, कर्मयोगी, निरंतर काम करते रहना, मेहनत कश, निरंतर मेहनती रहना, प्रयत्न करते रहना, रुकना नहीं। उसके बाद में दूसरा है मधुमक्खी पकड़ने वाला, मधुमक्खी की देखभाल करने वाला, हनी कीपर, हनी बी कीपर जिसको कहते हैं। उसका कहीं खास वर्णन नहीं दिखा, परंतु कहा है कि उससे वो प्रॉफिट लेता है वो मधुमक्खी से। इसके लिए आप सोचना कि जो मधुमक्खी पकड़ने वाला है या देख उनकी संभाल करने वाला है, उसको भी उसने अपना एक गुरु बनाया है। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे। मधुमक्खियों का एक दूसरा भी उपयोग है विनाश के संबंध में। जब मधुमक्खियां कम हो जाएगी तब विनाश होगा संसार में, ऐसी बहुत सारी अमेरिका में स्टडीज हुई है। हनी बीज कम होने लगेगी तो संसार विनाश की तरफ जा रहा है, इसका बहुत इकोलॉजिकल रीजंस दिए है अलग अलग। इनके लिए उसका अस्तित्व में होना बहुत जरूरी है, इकोसिस्टम में होना, ये कुछ अलग ही सिद्धांत है एक। फिर उसके बाद में है एक कुंवारी कन्या, दत्तात्रेय गुजर रहा था, एक कुंवारी कन्या मेडन गर्ल दत्तात्रेय जा रहा था, एक कन्या थी उसको देखने के लिए, शादी के लिए देखने के लिए कुछ गेस्ट आ गए, और उसकी माँ थी वो कहीं बाहर गई थी, और वो अंदर के कमरे में थी, वो बाहर थी। तो वो धान कूट रही थी, उसके हाथ में कंगन थे दोनों हाथ में, तो वो कूट रही थी तो आवाज आ रहा था। तो उसको लगा वो लोग क्या सोचेंगे कि ये अभी काम कर रही है, अभी धान कूट रही है, पहले से तैयारी नहीं की हुई है वगैरह वगैरह। तो वो क्या करती है, एक कंगन निकाल के बाहर रखती है, फिर कूटती है, फिर आवाज आता है, फिर दूसरे हाथ का कंगन निकाल कर बाहर रखती है, फिर कूटती है, फिर बाहर, फिर आवाज आता है, फिर एक कंगन निकालती है, फिर एक कंगन निकालती है, फिर एक एक कंगन बच जाता है, फिर कूटती है। दत्तात्रेय कहता है ये मेरा गुरु है, सन्यासी अकेला ही रहना चाहिए, ज्यादा लोगों के साथ रहे तो खतरा है। आज की मुरली में बोला एकांत में जाकर चिंतन करो ज्ञान का, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहो। वो संगठन का महत्व अलग है, परंतु संगठन में एकांत, भीड़ में एकांत का अनुभव। तो सन्यासी के लिए कहा है ज्यादा लोगों के साथ गया तो क्या होगा, बात लावत से हुआ है चीन में, उसकी आदत थी एकांत में मॉर्निंग वॉक करना, किसी को साथ में नहीं लेके जाता था, एकांत में जाता था। और एक बार उसका दो मित्र थे, दोनों एकांत में जाते थे मौन में। एक बार एक तीसरा मित्र आ गया, उसको पहले ही समझा दिया था किसी ने तुम ज्यादा बात मत करना, तो और वो चले गए मॉर्निंग वॉक पे गए। बीच में खाली एक ही बार उसने कहा कि ये सुबह कितनी सुनहरी है, और जब वॉक पूरी हुई तो लावत से कहता अगली बार इसको नहीं लेके जाना, ये बहुत बोलता है। क्या बोला था उसने, ये सुबह बहुत सुनहरी, बस इतना ही बोला था। तो लावत से कहता ही टॉक्स टू मच, इसको अगली बार से बिल्कुल हम लेके नहीं जाएंगे अपने साथ। तो योगी आत्माओं का स्वभाव होता है एकांत, बहुत प्रिय होता है उन्हें, बहुत अच्छा लगता है एकांत। दो ही लोगों को प्रिय लगता है, सॉलिट्यूड इज लव्ड ओनली बाय टू पीपल, घोस्ट एंड सेंट, एक तो भूत या तो योगी। तो कहां थे हम, कुंवारी कन्या, उसके बाद में बालक, छोटा सा बच्चा। दत्तात्रेय कहता है एक बच्चा ने मुझे बहुत सिखाया, क्या सिखाया, निरागसता, कितनी सुंदरता है उसमें, उसका आनंद कितना निरागस है।
हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि नन्ना सा शिशु, ये नहीं जानता इसकी अगली यात्रा कैसी होगी, ओबड़ खाबड़ होगी या समतल होगी। इसके चेहरे पर वही निर्विकारिता जो कभी बुद्ध ने अपने जीवन की साधना के बाद पाई थी। ये नन्ना सा शिशु, इसे उस ग्वाले से भी क्या लेना देना जिसने आज ही दूध कम तोला था। यह नन्ना सा शिशु, तो नन्ना शिशु जो होता है उसमें क्या होती है, निराकसता, इनोसेंट होता है, बहुत ही सरल होता है वो, निर्बोध, सरलता उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी सरलता इस बच्चे से सीखना है। फिर उसके बाद में बाण बनाने वाला, तीर बनाने वाला, वो मेरा गुरु है। उससे क्या सीखा, एक बार एक तीर बनाने वाला बैठा होता है, तीर बनाते रहता है। राजा का बहुत बड़ा जुलूस वहां से निकलता है, राजा के सिपाही आके पूछते हैं, यहां से मार्ग कहां जाता है, उसका ध्यान ही नहीं है, वो इतना तल्लीन है, दत्तचित्त खोया हुआ है। तो दत्तात्रेय देखता है, अरे बाप रे, और मैं आज तक भगवान के ध्यान में ऐसा कभी नहीं खोया कि पूरी बारात निकल गई, जुलूस निकल गया और उसको पता ही नहीं। एकाग्रता, इससे मैंने क्या सीखा, एकाग्रता। जब भी कोई काम करो तो ऐसा काम करो इतनी एकाग्रता से, इतनी तन्मयता से, इतनी तल्लीनता से, इतना लीन होकर, इतना दत्त चित्त होकर, रैप्ट अटेंशन अंग्रेजी में कहते हैं, वो काम करो फुल उसमें, जैसे मन लगा के। एक होता है ऊपर ऊपर से कर लेना, मन कहीं और है, हाथ कहीं और। तो एकाग्रता मैंने उससे सीखी। फिर एक वेश्या, एक वेश्या से क्या सीखी, क्या सीखा, वो वेश्या देह का व्यापार कर रही है परंतु उसके जीवन में उदासी है। वो जीवन की निरस्ता को देख लेती है, सोचती है कब ये विकारी जीवन पूर्ण होगा, कब मैं भी अच्छा जीवन व्यतीत कर पाऊंगी, कब ये सब बंद होगा, इसमें मुझे कोई सुख नहीं है। द्वार पर बैठी हुई है वेश्या, रात आगे बढ़ रही है, वो देखता है, वो बैठी है वहां पर और कितना उदास है, रो रही है बेचारी, क्योंकि अंदर से तो दुखी है ना उसको। तो वो सोचता है जीवन के प्रति भी ऐसी उदासीनता, ये संसार गंदगी है यहां पर। आज की मुरली में एक बड़ा ही जबरदस्त वाक्य आया है काम के प्रति, लास्ट लाइन देखना क्या है, लास्ट लाइन अच्छा से पहले, कि यह सब काम की वजह से हुआ है, सारी दुनिया खराब हो गई है, ऐसा कुछ है। तो उसको वैराग आता है, तो वो वेश्या उसको संसार के प्रति वैर, उसके आगे ना, हाँ उसके आगे का, वो सब कुछ भुला देता है। जमाना बहुत डरती है, काम महाशत्रु है, सब कुछ भुला देता है, काम सारा ज्ञान भुला देता है, सारा योग भुला देता है, सारा परमात्मा प्रेम भुला देता है, सब कुछ भुला देता है काम। ये वाली पॉइंट, तो उस वेश्या से वैराग सीखा उसने कि इस देह में कोई सुख नहीं है, क्यों मैं इसमें फंसू। कल की मुरली में था ना, आधे कल्प से हिरे हुए हैं शरीर के प्यार में। अविनाश, विनाशी से प्यार करोगे तो विनाश होगा, अविनाशी से प्यार करो तो अविनाशी बनोगे। कल की मुरली में था ना, हिरे हुए हैं देह से इतना प्यार है। तो ये तीन, ये पांच। उसके बाद में सांप, सांप से क्या सीखोगे, अपने बिल में रहता है, अंतर्मुखता। और सांप क्या करता है, किंचुली अपनी चमड़ी जो है ना छोड़ देता है, पुराना त्याग कर देता है, उसमें दुख नहीं होता है क्योंकि नया मिलेगा उसे। तो सांप से यह सीखना है। खाल, मुरलियों में क्या आता है, पुरानी खाल छोड़ देता है, यह भी तुम्हारी 84 जन्मों की पुरानी खाल है, इसको छोड़ो। उसके बाद में अजगर, अजगर से क्या सीखा, पाइथन, पाइथन कहीं जाता नहीं है कहीं नहीं जाता है, सांप तो जाता है इधर उधर खाना पीने के लिए, एक जगह बैठा रहता है बस, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, संतुष्ट था। सुखधाम में आ गया था, तो पाइथन से क्या सीखेंगे, संतुष्ट था। उसके बाद में
वो एक पक्षी होता है जिसको बाज हॉक कहते हैं. हॉक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको अलग अलग टिटवी अलग अलग नाम है. बाज जैसा ही एक पक्षी होता है ये. तो इससे दत्तात्रेय चील, हाँ चील, चील के कैटेगरी के ही है ये सारे. हाँ तो इसमें उसने देखा एक बार एक चील पक्षी जा रहा है, उसके हाथ में कोई मांस का टुकड़ा है और उसके पीछे बहुत सारी चीले जा रही है हॉक. तो उसको समझ में नहीं आता ये मेरे पीछा क्यों कर रही है, और वो और तेजी से भागती है भागती है भागती है. और फिर उसको लगता है ये छोड़ के तो देखो क्या होता है, वो छोड़ देती है. वो जैसे ही छोड़ देती है वो सारे जो उसके पीछे होते हैं उसके पीछे चले जाते हैं और वो शांति से एक झाड़ पे बैठ के देखती रहती है. तो इससे मैंने ये सीखा कि पकड़ के नहीं रखना है वस्तुओं को, वस्तुओं को पकड़ के नहीं रखना है. और उसके बाद में है कबूतर. इसका हमें ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कबूतर जो है वो पिंजड़े में रहता है या वो जो हंटर होते हैं शिकारियों का बहुत दुख सहन करता है, परंतु वो अपने ही कारण सहन करता है क्योंकि अपने ही वजह से वो कैद में बंद है. वो उसमें फंस जाता है क्योंकि उसको सब कुछ मिलता है वहां पर, आराम से उसका जीवन है, ठीक है, आराम से उसको कुछ उड़ना कहीं जाकर उसको कमाई करने की जरूरत नहीं है खाने पीने के लिए, पेट उसकी पेट भर रहा है अपने आप. तो उससे मैंने ये सीखा कि ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, मुझे उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला जीवन चाहिए, बंधन वाला जीवन नहीं चाहिए. ये मैंने तोते से ये कबूतर से सीखा. तो ये दो. उसके बाद में पतंगा अर्थात परवाना अर्थात मौत. वो अट्रैक्ट होता है लाइट की तरफ. बाबा इसको अलग रीति से लेते हैं परंतु ये है वो उसके इंद्रियों से धोखा देते हैं और वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर मर जाता है क्योंकि उसको लगता है कोई सुगंध आ रहा है, उसको लगता है कुछ अच्छा है वहां से. तो अपनी इंद्रियों से कभी भी धोखा नहीं खाना, आंख से धोखा नहीं खाना, कान से धोखा नहीं खाना, नाक से धोखा नहीं खाना, त्वचा से धोखा नहीं खाना, क्योंकि ये धोखा देते हैं सारी इंद्रियां. इंद्रियों के प्रति सजग रहना, सावधान रहना, कब कौन सी इंद्रियां धोखा दे पता नहीं, तटस्थ रहना. इंद्रिया टेम्प्ट भी करे तो भी तटस्थ रहना, अपने आप वो टेम्प्टेशन चला जाएगा. उत्तेजना उत्पन्न हो शरीर में, रुक जाना, आएगी उत्तेजना और चली जाएगी. क्योंकि उस समय क्योंकि दो 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 मार्ग है, ये एक सूक्ष्म बात है, बहुत ही बहुत सूक्ष्म बात. भोग ऐसा है कि न भोगो तो बेचैनी होती और भोगो तो पश्चाताप, क्या लोगे. नहीं करो जैसे कोई स्मोकिंग करता है, नहीं पियो तो इतनी बेचैनी और पी ली अगर तो फिर पश्चाताप होता है कि फिर से वही किया जो रोज करता हूं. तो दो है, क्या कौन क्या लेंगे फिर बताओ. दोनों तरफ दुख है, दोनों तरफ बेचैनी है. नहीं करते हो तो भी बेचैनी, ये काम विकार के लिए कहा गया है. नहीं जाओ तो बेचैनी और गए तो पश्चाताप. ये वाली बेचैनी थोड़ी ठीक है, न करने वाली, ये आएगी और चली जाएगी एक दिन. पर ये वाली जो है ना पश्चाताप वाली, ये बहुत गहरी है, बहुत जख्म देने वाली, दुखी करने वाली. क्यों, ये इसके बाद ये बार बार ये एडिक्शन हो जाएगा, बार बार होते रहेगा. इसके लिए इसको समझना है. और ये आज एक बार तटस्थ रहे, अभी कुछ खाने की इच्छा होगी, गुलाब जामुन बने हैं बस जाऊं और खा लूं एक. अगर रोक दिया जाए, रुक गए तो बाद में फिर खाने की शायद इच्छा कम हो जाएगी. जेब में रख दिया था उसने. तो ये कहां थे हम, पतंगा. उसके बाद में है भ्रमरी. भ्रमरी या भ्रमक उसको या कैटरपिलर, वो उसको ये बनना है. क्या बनना है, तितली. तितली बनती है कैटरपिलर. कैटरपिलर को हिंदी में क्या कहेंगे, भृंगी कहते हैं उसको शायद, भृंगी. हाँ तो वो उसको तितली बनना है. धैर्यता चाहिए इसके लिए. आध्यात्मिक मार्ग में साधन अपना प्रयत्न करते रहे, एक दिन स्पिरिचुअल टीचर बन जाएगा. शिष्य जो है पढ़ाई करता रहे, कढ़ाई करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, क्या हो जाएगा, टीचर बन जाएगा एक दिन.
आज की मुरली में भाषण के लिए बहुत सारी बातें कही है बाबा ने। जो बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं फिर भाषण करते हैं, वो बच्चे हैं जो आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं। ये कोई मासी का घर नहीं है, ये पान का बेड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। तो ये धीरज कि अभी तो बहुत छोटा है पर बड़ा हो जाएगा। अध्यात्म मार्ग में जो भी आता है पहले शुरुआत में कुछ भी नहीं होता है, पर धीरे 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 उसके में उसमें योग्यता आने लगती है। तो ये हो गया 23वां हो गया। अभी लास्ट कौन सा है, 24वां, एक बचा है, 23 हो गए। मकड़ी जाल बुनती है, उसमें थोड़ा अलग बताया है। मकड़ी जाल बुनती है, जाल को नष्ट भी करती है और फिर नया जाल बुनती है। और इसका एक अर्थ यह भी है कि खुद ही जाल बुनती है, खुद ही फंसती है और खुद ही निकलती है फिर बाहर। यदि तुम भी संसार में अपने ही जाल में फंसे हुए हो, और निकाल कौन सकता है अपने आप को, खुद ही डिस्ट्रॉय कर दो आप उस जाल को और बाहर निकल के आ जाओ। तो दत्तात्रेय के ऐसे ये कितने हैं, 24 गुरु। तो अभी फिर से रिवाइज करते हैं। आशीष भाई, 6वां कौन सा था? सबसे पहला चालू करते हैं, पहले 5 तत्व, इन तत्वों से सीखना। ये तो चलो थोड़ी सी बातें थी यहां पे 24, पर इस प्रकृति में, इस संसार में हजारों बातें हैं। जो कुछ देखो उससे सीखना है, जो कुछ दिखाई दे रहा है उससे सीखना है। फूल खिला हुआ है उससे सीखो, कांटा चुभा उस कांटे से चुभो, सीखो कुछ ना कुछ, हर चीज से कुछ ना कुछ सीखना है। वो चाणक्य का दिखाया हुआ है, जा रहा है, कांटे चुभते हैं उसको। चंद्रगुप्त छोटा सा है, उसके पीछे पीछे जाता है, वो कहते हैं आचार्य आप क्या कर रहे हो, तो वो वहां से वो खरीदता है छाछ, मीठा दूध, और वो लेता है और वो कांटों के ऊपर डाल देता है। वो कहते हैं आचार्य आप ये क्या कर रहे हो, कहता है थोड़ी देर में अभी यहां पर चींटियां आ जाएंगी, इस कांटों को नष्ट कर देगी, क्योंकि इन्होंने मुझे आहत किया है, मैं इनको नष्ट कर दूंगा। तो ये दूसरों को भी आहत कर सकती है, तो उससे भी उसने सीखा। तो पहले धरती क्या सीखेंगे, सहनशीलता, उसके बाद में अग्नि पवित्र बनाना, उसके बाद में वायु और निर्लिप्त, उसके बाद में आकाश बेहद, उसके बाद में जल स्वच्छ करना, ये हो गए 5 के बाद में 3 सूरज चांद और समुद्र। सूरज सबको देता है, पक्षपात नहीं करता है, चंद्रमा घटता कम होता है पर अचल रहता है या तो शीतलता देता है, उसके बाद में समुद्र गहराई में शांत है, प्रशांत है, तो ये 3, उसके बाद में 2-3 मछली हाथी और हिरन। मछली से क्या सीखेंगे, फंसना नहीं है कहीं पर भी प्रलोभन में। हिरन से क्या सीखेंगे, भयभीत होकर हिरन के जैसे भागते नहीं रहना है, सामना करना है। उसके बाद में हाथी फंस जाता है बेचारा, टेम्पटेशन, मदमस्त होता है वो, अपनी मादकता में फंस जाता है, मादकता की वजह से। उसके बाद में ये 3 हो गया, 3 के बाद में 5 में सबसे पहले मधुमक्खी। तो मधुमक्खी बहुत एक्टिव रहती है और मधुमक्खी बी कीपर होता है, उससे क्या सीखना है आप जरा इसका संशोधन करना। वो जो संभाल करता है ना, वो उससे क्या सीखना है, उसमें तो लिखा है वो प्रॉफिट करता है बी से, बस ऐसा लिखा है उसमें। और उसके बाद में अगला कुंवारी कन्या, एकांत में रहना चाहिए, आवाज नहीं करते रहना ज्यादा, चुपचाप रहना। जैसे कोई योग में आते हैं बाबा के कमरे में, उनके पास बड़ी पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन का आवाज, पॉलीथीन से सामान निकालेंगे, पॉलीथीन को पहले इधर रखेंगे, सामने रखेंगे, फिर इधर, या कोई बैग लेके आएंगे पहली चेन खोलेंगे, एकदम शांत है और चेन खोलना चालू है माता जी का या बहन जी का, 3-4 चेन खोलेंगे, फिर मोबाइल, फिर ये, कितना आवाज करते हैं, अपनी उपस्थिति की का एहसास कराते हैं सबको कि मैं आ चुका हूं, मैं छाप छोड़ना चाहते, मैं आ चुकी हूं, इतना आवाज। और कोई कोई वो एक बैग रख देते बाजू की चेयर में ताकि हाँ, वो तो किस किस को पता है। तो कहां थे, कुवारी कन्या, उसके बाद में वेश्या से क्या कि ये संसार से के प्रति उदासीन हो जाना, डर्टी वर्ल्ड है, आज भी बोला डर्टी वर्ल्ड है ये। और उसके बाद में छोटा सा बच्चा निरागस, उसके बाद में
तीर कमान वाला एकाग्रता से तीर कमान काम करता है तो ये हो गए पांच। पांच के बाद में सांप और अजगर, ये दो। सांप क्या करता है, पुराना छोड़ देता है, नया धारण करता है। पुराना सब कुछ छोड़ते जाओ, आज की मुरली में ये तुम्हारे कान जो सुनहरे परमात्मा ज्ञान को सुनने के लिए थे, भक्ति मार्ग की कौन सी बातें सुन सुनकर पत्थर हो गए, भक्ति मार्ग की कौन सी बातें सुन सुनकर पत्थर हो गए, माता भी घिस गया और पैसे भी खाली हो गए, डैश 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 आज की मुरली से ढूंढना। ये तुम्हारे कान जो परमात्मा की सुनहरी बातें सुनने के लिए थे वो भक्ति मार्ग की दंत कथा है, देख लिया। भक्ति मार्ग की दंत कथा है, सुन सुनकर पत्थर बन गए। तो कहां थे हम, सांप पुराना छोड़ देना, उसके बाद में अजगर। अजगर अर्थात अपना जितना मिला है शांति से बैठे रहो एक जगह, हाँ उसे मैंने पड़ा रहता है कहीं नहीं जाता है। उसमें संतुष्टता का गुण मैंने सीखा, ऐसा दत्तात्रेय कहता है। तो ये हो गए दो। उसके बाद में चील, हॉक, टिटवी, और उसको कौन सा पक्षी कहते, करर कुरर पक्षी ऐसा कुछ कहते, अलग अलग, ये अलग अलग कैटेगरी है एक्चुअली, वो एक किसी को नहीं कहा जा सकता है। एक वल्चर भी होता है, वो गिद्ध होता है। तो ये जो है ये हॉक है। तो हॉक से क्या सीखेंगे, छोड़ दो चीजों को, पकड़ के रखोगे तुम्हारे पीछे दुनिया भागेगी, छोड़ दो तो उसके पीछे दुनिया भागेगी, तो छोड़ दो। उसके बाद में कबूतर, कबूतर वो उधर फंसा रहता है, ऑब्सेशन उसका, अटैचमेंट भी होता है उधर, उसको छोड़ भी दो तो भी वो जाता नहीं है। जैसे एक बार भी सुनाया था, एक सन्यासी घूमता रहता है पहाड़ी इलाकों में और उसको आवाज आती है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसको, वो तो सेनानी होता है पहला, फ्रीडम फाइटर, तो उसको लगता है कौन पिंजरे में है, मैं उसको फ्री करूंगा। जाता है वहां एक सराय है, होटल है, वहां देखता है एक पिंजरा टंगा हुआ है और वहां पर वो कबूतर है। तो उसको लगता है इसको मुझे छोड़ना है, पर अभी डायरेक्ट तो कर नहीं सकता, तो वहां पर कमरा ले लेता है रहने के लिए। और रात में जब सब सो जाते हैं तब वो पिंजरा खोलता है और उस कबूतर को कहते हैं भाग भाग, तुम दिन भर चिल्लाते रहते हो ना स्वतंत्रता स्वतंत्रता फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, अब भाग। तो निकलने को तैयार नहीं होता है, पर ये भी कोई स्वतंत्रता सेना नहीं होता है, फ्रीडम फाइटर, एक्स फ्रीडम फाइटर, इतना जल्दी थोड़ी ना किसी को बंधन से हार मान जाएगा। पकड़ता है उसको, चोच मारता है वो, परंतु फिर भी पकड़ता है और उड़ा देता है। और उसको जो खुशी होती है, आहा, क्योंकि किसी बंधन वाले व्यक्ति को, पिंजड़े से किसी को निकाल दिया और वो स्वतंत्रता सेनानी है, बहुत खुशी होती है। आराम से जाके सोता है, सुबह उठता है तो सुबह उठते उठते फिर से वही आवाज आती है उसको, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्र। उसको लगता है आप कौन चिल्ला रहा है, खिड़की से देखता है तो कुछ नहीं दिखता है, उस पिंजड़े की तरफ देखता है, वो पंछी वापस उस पिंजड़े में आ गया है और वहीं बैठकर अब फिर से चिल्ला रहा है फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। फ्रीडम अभी पंछी छोड़ दिया, पिंजरा क्यों बंद करेगा, वो भूल गया होगा। तो ये एक स्वभाव है कि पिंजड़े के अंदर चले जाना, पिंजड़े में बहुत सुख है। कौन सा सुख है, सब टाइम टू टाइम मिलता है, कंफर्ट जोन है। तो इसलिए तो कई लोग जेल बर्ड्स बाबा कहते ना, जाते रहते जेल में, जेल में जाओ कुछ कमाने की चिंता नहीं, कुछ नहीं, आराम से भोजन भिजन मिलते रहता है, बाहर जाओ तो कितनी चिंता होती है पैसों के लिए। तो कबूतर, उसके बाद में तीन पतंगा, सेंसेस उसको डिसीव करते हैं, इंद्रिय, अपनी इंद्रियों से धोखा नहीं खाना है, यह दत्तात्रेय ने उससे सीखा। उसके बाद में ब्रह्म कैटरपिलर ब्रह्मरी नहीं, कैटरपिलर, उसको क्या कहते हैं, भ्रूंगी कहते हैं उसको। वो भ्रूंगी को आशा है कि वो क्या बन जाएगा, बन जाएगी तितली। तो जो छोटे साधक है उसको भी साधना करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, धीरे धीरे वो कहते हैं वो भी एक दिन स्पिरिचुअल मास्टर बन जाएगा। उसके बाद में लास्ट 24वां गुरु मकड़ी, जाल जो बुना है अब उसको क्या कर दो, नष्ट कर दो और बाहर आ जाओ। 24 हो गए,
कि कम हुए थोड़े, हो गए ना? नहीं, ज्यादा तो नहीं हुए, 24 हुए बराबर। तो ये दत्तात्रेय की पाठशाला है कि जिसके ये 24 गुरु है। तो बाबा ने कहा गुण ग्राही बनो, हर एक से गुण उठाओ, हर एक से सीखो, पादरी से सीखो, आज की मुरली में उस सन्यासी से भी सीखो जो भोजन का इतना महत्व रखते हैं। ये दो तो बाबा ने मुरली में बता दिए। तो सारे दिन भर ये लक्ष्य रखना है, मैं जो भी मेरे संपर्क में व्यक्ति आएगा उससे मैं क्या सीखूं, एक। जो भी वस्तुएं देखूंगा उससे मैं क्या सीखूं, दो। जो भी प्रकृति में चीजें दिखाई दे, नैसर्गिक चीजें, उससे मैं क्या सीखूं। हर चीज से यही रखना है कि मुझे हर एक से सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, गुणग्राही बनना है। अच्छा, ओम शांति।